हेलो, सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। आज दुआ करेंगे भगवान से कि आज 17 नवंबर है, 17 है ना सर? आज 17 है और टीजीटी की भर्ती पर आज सरकार की तरफ से रिप्लाई फाइल है और स्टे हट जाए और 19 नवंबर तक टीजीटी के रिजल्ट को फाइनल कर दे सरकार, क्योंकि आज की उसमें आई है। उम्मीद करते हैं कि टीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्दी आए, क्योंकि टीजीटी के बच्चों का क्या कसूर है, जिन्होंने एस्टेट निकाला, फिर स्क्रीनिंग निकाला, डीवी दिया और अब उस दौड़ में है कि वो नौकरी की कगार पर खड़े हैं। क्योंकि इन चीज़ों को बोलते हैं मेंटली हरासमेंट, बिना बात की कोई बात भी नहीं। जो कोई भी सीमा तय करता है, कोई भी पैमाने बनाता है, पैरामीटर्स बनाता है किसी पीछे, वो बोर्ड का काम है, तो उसमें बच्चे क्यों पीसे? वो बोर्ड को पहले ही देखना चाहिए कि ये चीज़ इसमें फंस सकते हैं, हम इसमें फंस सकते हैं, तो उसको पहले ही उनको स्मूथली करना चाहिए, पहले ही उन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। लेकिन आखिर में पिस्ता कौन है? बच्चा। वो तैयारी करते करते मेंटली हरासमेंट होता है, फिर सिस्टम को गाली देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से ही प्रावधान रखे कि ये चीज़ें सही हैं और ये क्या गलत हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो इनकी बार अब की बोली है इन्होंने, ये देखो ये आया भी है। एक तो आपका मामला था हाई कोर्ट में, दो मामलों में छूट थी, जबकि प्राइवेट का अनुभव कि प्राइवेट स्कूल का जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर था, ठीक है, वो उन्होंने पहले ही उसमें लिख रखा है, पहले से ही, ठीक है। दूसरा था आपका एस्टेट की छूट का, कि हमारे 7 साल का था और तो किसी को एस्टेट की छूट दी या नहीं दी गई है, तो उसको लेकर था। दोनों मामलों का निपटारा शायद हो जाए और भर्ती का रिजल्ट आ जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।